आप कहाँ बैठे हैं अभी? अपने घर में बैठे हैं? अपनी ऑफिस में? नहीं, आप मृत्यु लोक में हैं। यहाँ तीन प्रकार के कष्ट आपको किसी भी समय नष्ट कर सकते हैं। मैनमेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, डिजीजेस। मैनमेड डिजास्टर लाइक वॉर, टेररिज्म, मर्डर। नेचुरल डिजास्टर लाइक फैमाइन, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। डिजीजेस, कितने प्रकार के रोग हैं, चूज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। तो ये अनित्य दुखालय है, ये मृत्यु लोक हमारा असली घर नहीं है। पर हमारे उपनिषद हायर लोक की चर्चा करते हैं, जैसे ब्रह्म लोक, वहाँ रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, अखंड और अनंत आनंद का लोक है। पर जैसे अभी आपको अमेरिका जाना है तो बहुत पैसे चाहेंगे, राइट? तो अगर आपको ब्रह्म लोक जाना है तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। जो मृत्यु लोक में जितना सिंपल सेल्फलेस जीवन जिएगा उसको ब्रह्म लोक में प्रमोशन भगवान देंगे। पर क्योंकि अज्ञान के कारण मनुष्य मृत्यु लोक को ही सब कुछ समझ लेता है और कितना लाल और लोभी हो जाता है। अब देख लीजिए कितना क्राइम करप्शन फैला हुआ है मृत्यु लोक में। कारण क्या है? अज्ञान। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें आत्मज्ञान समझना कि हम तो एक दिव्य आत्मा हैं, भगवान का एक दिव्य अंश, आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं। सो वी शुड बी फ्लोइंग विद कॉस्मिक लव। क्या हम कॉस्मिक लव में फ्लो कर रहे हैं? जो कोई भी रिलेशनशिप आप देख लीजिए, चाहे हस्बैंड वाइफ, फादर सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कुछ ना कुछ स्वार्थ ज़रूर होता है। निस्वार्थ प्रेम तो खाली सच्चा संत करता है, मगर जब तक हम ये निस्वार्थ प्रेम के लेवल पे नहीं आ जाते, हमें ब्रह्मलोक में भगवान प्रमोशन नहीं देंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। जैसे आपके पास स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए, विवेका एंड वैराग्य। जैसे आपको MBA करना है, बहुत पैसे कमाने, बहुत क्वालिफिकेशंस चाहिए, वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए विवेक और वैराग्य होना चाहिए। विवेक का इंटेलिजेंस टू नो कि मृत्यु लोक अनित्य है, दुखालय है। वैराग्य, डिटैचमेंट, किसी के पास 100 साल किससे ज़्यादा समय नहीं है। तो आप जैसे समय का सदुपयोग करेंगे वैसे फिर आपको अपना अगला जन्म मिलेगा। तो इसीलिए समय का सदुपयोग करिए, जीवन अपना साधना और सेवा में लगाइए।